ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज फिर हम जो है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी लिमिट का जो है जो सीजन चल रहा है उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक, कल हमने बताया था कि कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन की यानी कोई फंक्शन की एफ एक्स कोई फंक्शन है इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एक्स इक्वल टू ए। इसकी जो एल एच एल है इसकी क्या होनी चाहिए, एल एच एल इस फंक्शन की, और इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर एच एल। और ये किस फंक्शन के लिए, एफ ए पे इसकी वैल्यू एफ ए, दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, हमेशा इक्वल होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, फाइनाइट। ये हमेशा जो है एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इक्वल कहते हैं कंटिन्यूटी। और कल फिर एक जो है डिसकंटिन्यूटी बताइए, मैंने डिसकंटिन्यूटी हो ना कोई फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूस है तो उसके चार वो होते हैं टाइप। पहले क्या था फंक्शन, पहले टाइप क्या था, इफ यानी कि एल एच एल एंड आर एच एल आर एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल, क्या होना चाहिए, क्या था पहले, इफ इफ एल एच एल, एल एच एल का मतलब एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एंड आर एच एल यानी कि एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस आर एग्जिस्ट आर एग्जिस्ट बट नॉट ठीक। ये दोनों एग्जिस्ट तो हैं, ये दोनों क्या है, एग्जिस्ट तो है बट क्या है, बट नॉट आर इक्वल, ये इक्वल नहीं है। जैसे इसका एग्जांपल है, इसका जैसे है एफ कोई फंक्शन है, एफ एक्स कोई फंक्शन क्या है, एफ एक्स है, कैसा फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स अपॉन एक्स, इस तरह कोई फंक्शन है, इस पर डिसकंटिन्यूटी चेक चेक डिसकंटिन्यूटी एक्स एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पर इसकी डिसकंटिन्यूटी में चेक करनी है। तो पहले क्या मान लूंगा, इसकी एल एच एल मान लूंगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स इक्वल टू, ये क्या हो सकता है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, ये इसकी एल एच एल होगी, क्या होगी, ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। और इसकी क्या आ गई है, जीरो माइनस एच अपॉन ये आ गई जीरो माइनस एच लिमिट एच टेंड्स टू जीरो की आ गई, ठीक है। ये इसकी एच टेंड्स टू जीरो है, ये एफ एक्स जीरो माइनस एच लिख रहा है, ये जीरो माइनस एच एच टेंस टू, और जीरो माइनस एच कह के इक्वल होता है, जीरो माइनस एच इक्वल माइनस एच अपॉन माइनस एच इक्वल टू वन, ये क्या आगे इसकी लिमिट, अब इसकी इसी तरह ठीक मैं निकाल देता हूँ आर एच एल, क्या निकाल देता हूँ उसकी आर एच एल क्या आ जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, एफ जीरो प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो जीरो प्लस
एच अपॉन जीरो प्लस एच। क्या हो गई है? यानी जीरो प्लस एच अपॉन क्या आ गई? जीरो प्लस एच अपॉन एच। अच्छा ये मोड में है तो ये माइनस एच ही हमेशा जो है ये प्लस ही रहती है, ये क्या आती है सॉरी, ये तो हमेशा प्लस में ही रहेगी, तो ये क्या आएगा माइनस वन। यानी जीरो माइनस एच आएगा, ये आएगा माइनस एच, और मोड क्या हमेशा क्या आती है एच ही रहती है ये, ठीक माइनस वन। तो जीरो प्लस एच इक्वल टू एच इक्वल टू क्या आ जाएगा एच अपॉन एच इक्वल टू वन। देखो भाई एल एच एल एग्जिस्ट तो है, कितनी है माइनस वन आ गई, आर एच एल कितनी आ गई इसके अंदर वन आ गई, दोनों क्या है एग्जिस्ट है बट नॉट क्या है इक्वल, बट नॉट इक्वल क्या है बट नॉट इक्वल। एंड लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, ये नॉट इक्वल है एग्जिस्ट है। ये केस पहला हो गया, क्या पहला केस था कि अगर कोई फंक्शन है एल एच एल आर एग्जिस्ट है बट नॉट इक्वल, इससे एग्जाम्पल है लिमिट एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स अपॉन एक्स, ये क्या हो गया ये हो, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूँ, क्या करता हूँ उसको, मैं सिर्फ टू इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, क्या अगर करता हूँ मैं इसको ग्राफिकली, ग्राफिकली किस तरह इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, ग्राफिकली अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, देखो क्या फंक्शन है मेरा एफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन तो ये है ही है एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी है एक्स अपॉन एक्स, एक वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स अपॉन एक्स, एक माइनस एक्स अपॉन एक्स, एक क्या आ जाएगी वैल्यू एक्स अपॉन एक्स, एक आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन एक्स, माइनस एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू कब आ जाएगी, ये हो जाएगी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, जो जाएगी एक्स इज लेस देन जीरो, इफ एक्स से एक्स जा गया या ये कह सकते हैं और कह सकते हैं वन, ये जाएगी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ये कह लो वन, तो इसकी वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू है तो वन कह सकता हूँ या कह सकता हूँ माइनस वन, इससे माइनस वन। तो ये फंक्शन है मेरा, कोई एफ एक्स फंक्शन आ गया, ये फंक्शन जो है एफ एक्स है, ये एफ एक्स इक्वल टू ये, यानी वन और माइनस वन, वन और माइनस वन, इसका जो है मुझे ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहता है, क्या करता है मैं किसका करता हूँ इसको, देखो ये जो है एक ये मान ली नंबर लाइन है, ये क्या है एक नंबर लाइन है, ठीक, और इस पे जो है इस पे एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये क्या आ गया एक्स अक्ष है, ये क्या आ गया वाई अक्ष है, इस पे जो है नंबर ड्रॉ कर लूंगा मैं, क्या कर लूंगा देखो यहां से यहां तक की मान लिया जीरो, ये तो जीरो हो गया, ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया, सिमिलरली इधर वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, इधर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। अच्छा अब एक्स की वैल्यू क्या है वन, एक्स की वैल्यू क्या है इसमें दो वैल्यू है, एक्स की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू फंक्शन की क्या है वन और वन, वन और माइनस वन, अगर मैं से वन और माइनस वन को ये ड्रॉ कर सकते, ये है यही है, नीचे भी क्या आएगा माइनस वन माइनस टू माइनस वन माइनस टू और ये माइनस थ्री, ये नीचे आएगा, ठीक। अब एफ एक्स की वैल्यू है वन, एफ एक्स की वैल्यू क्या है वन, वन कहाँ है वन ये है, और
इसकी वैल्यू माइनस वन की वैल्यू क्या आ गई है, ये। और इस पे ये जो है ये जीरो है, इस पे क्या है जीरो पे, इस पे जीरो पे क्या वैल्यू आएगी, ये फंक्शन है मेरा, फंक्शन क्या है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, क्या है एफ एक्स इक्वल टू देखो यानी एफ एक्स इक्वल टू जीरो है, एफ एक्स क्या है इक्वल टू मोड एक्स ऑन एक्स है, एक्स की वैल्यू जीरो को जीरो पॉइंट जीरो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गई, कौन सी हो गई है ये हो गई जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गई है, जीरो भी आ गई जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गई, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गई जीरो पे। तो इसमें क्या दिख रहा है ये सिर्फ जो है एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या है ये डिसकंटिन्यूस है, नहीं तो जो है इधर भी है ये जो है फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूस है, नहीं तो ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस का वो कब होता है अगर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो तो इसमें ये है और एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो यही फंक्शन जो है ये ब्रेक हो रहा है, तो यही क्या है इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो इसकी ये एग्जांपल है एफ एक्स इक्वल टू मोड एफ एक्स कौन एक्स, किसका एग्जांपल है, पहला केस है कि एल एच एल और आर एच एल आ जाएगी बट नॉट इक्वल, ये ग्राफ से ही पता लग रहा है ग्राफिकली भी कि यह फंक्शन जो है यह डिसकंटिन्यूस है, ये क्या है फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस, ठीक है आगे तारे। क्या है ये जैसे जैसे लिमिट दूसरे क्या था ये लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स आर एग्जिस्ट एंड इक्वल, आर एग्जिस्ट एंड इक्वल, आर एग्जिस्ट एंड इक्वल बट ये कोई फंक्शन है क्या, दूसरी डिसकंटिन्यूटी क्या थी एफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स एंड उस पे एफ एक्स ए प्लस एफ एक्स पे आर एग्जिस्ट एंड इक्वल बट नॉट इक्वल टू एफ एक्स, बट नॉट इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स के इक्वल नहीं है बट नॉट, बट नॉट इक्वल टू एफ एक्स, बट नॉट इक्वल टू एफ एक्स, बट नॉट इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स के इक्वल नहीं है। इसके लिए एक फंक्शन देखेंगे ब्रेक हुआ फंक्शन क्या है, इसके लिए एग्जाम्पल है मान ली एफ एक्स है, एफ एक्स कैसा फंक्शन है, इसकी वैल्यू है टू एक्स प्लस थ्री जीरो और एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वैन एक्स इज लेस देन जीरो, वैन एक्स इज जीरो, वैन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ये जो ये फंक्शन है ये फंक्शन कैसा है एफ एक्स है
टू एक्स प्लस थ्री जीरो और एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, कैसा फंक्शन है ये? जब x की वैल्यू लेस देन जीरो, ये x की वैल्यू जीरो है और x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, इसे चेक करना है। क्या करना है? चेक दिस कंटिन्यूटी, चेक चेक डिसकंटिन्यूटी, चेक डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो पे इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक, अच्छा किसी की वही है, किसी की डिसकंटिन्यूटी में चेक करने के लिए एल एच एल लिमिट एच एल निकाल लो, एच एल लिमिट आर एच एल लिमिट निकाल लो, ठीक है, और उसकी जो है फंक्शन की जो है वो निकालेंगे। लेकिन ये पहली लियर है, जो इस केस का एग्जांपल है कि इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल बट नॉट एफ ए बट नॉट एफ एक्स बट नॉट एफ एक्स नॉट इक्वल बट नॉट एफ एक्स नॉट इक्वल। तो इसमें पहले में जो है आर एच एल की वैल्यू निकाल लो, क्या निकालना है इसमें आर एच एल, आर एच एल लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, ये क्या आ गई एक्स टेंस टू जीरो प्लस क्या आ गई एफ एक्स, क्या आ गई ये क्या आ गई लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच जीरो प्लस एच। अच्छा एस जो कि जीरो से बड़ा, क्या आ गई इसकी वैल्यू क्या आ गई, कौन सी लेंगे यहाँ, ये लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो तो क्या लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, क्या लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, वो एक्स की जगह क्या है जीरो प्लस एच का स्क्वायर प्लस थ्री, जीरो प्लस एच का स्क्वायर इक्वल टू थ्री, इक्वल टू क्या आ गया ये एच स्क्वायर प्लस थ्री, क्या आ गया लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये आ गई लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसमें एच टेंस टू जीरो लिख के एच स्क्वायर प्लस थ्री आएगा, ये क्या आ गई इसकी थ्री आ गई, क्या आ गई इसकी है थ्री। अब इसकी एल एच एल ले लूंगा, क्या ले लूंगा एल एच एल, क्या आएगी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये क्या आ गई एच यानी जीरो से कम, जीरो से कम लेस देन क्या होगा टू एक्स प्लस थ्री यानी टू जीरो माइनस एच प्लस थ्री, ये क्या आ गई एच टेन माइनस टू एच प्लस थ्री, क्या आ जाएगी माइनस टू एच प्लस थ्री, ये आ जाएगी माइनस टू एच प्लस थ्री और लिमिट एच टेंस टू जीरो है ही है, एच टेंस टू जीरो रखे ना इसी में, जैसे ही हम एच टेंस टू जीरो रखेंगे, एच टेंस टू जीरो रखेंगे ये तो जीरो होगी, क्या बच जाएगी खाली थ्री बच जाएगी, क्या आ जाएगी ये इक्वल टू थ्री, इक्वल टू क्या आ जाएगी थ्री। तो इसकी आर एच एल लिमिट भी क्या आ गई थ्री आ गई और एल एच एल भी क्या आ गई थ्री, आर एग्जिस्ट एंड इक्वल बट एफ एक्स, अब क्या निकाल लू एफ एक्स यानी कि क्या निकाल लूंगा मैं एफ जीरो, क्या निकाल लूंगा एफ जीरो पे, और एफ जीरो की वैल्यू कितनी है एफ जीरो पे कितनी है जीरो बट एट एक्स इक्वल टू जीरो, एफ इक्वल टू जीरो क्या एफ जीरो इक्वल टू जीरो, एफ जीरो इक्वल टू जीरो, एफ जीरो इसमें क्या मतलब, इसका क्या मतलब आ गया क्या मतलब इसका है कि एन एच एल इक्वल टू है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस माइनस एफ एक्स एफ एक्स, ये इक्वल है बट नॉट इक्वल टू एफ ए एफ एक्स बट नॉट इक्वल टू एफ एक्स बट नॉट इक्वल टू एफ जीरो, जीरो पे है ना तो जीरो आ गया, क्या आ गया बट नॉट इक्वल टू एफ जीरो, तो ये जो केस हो गया कि एफ एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा अगर इसका मैं ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा इसका
क्या दिखाऊं, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं उसका, ये इसमें शुरू कर लेंगे। ये तो एक्स एक्सिस है, ये क्या है इसमें वाई एक्सिस है, ये इसका ओरिजिन है, ये फिर क्या है इसका ओरिजिन है, ये क्या है जीरो है। अच्छा ये है 2x+3 को ड्रॉ करेंगे, मैंने क्या कर लूंगा मैंने एफ एक्स इक्वल टू 2x+3 जैसे ही है ना y इक्वल टू 2x+3 इसकी वैल्यू रखूंगा, जैसे मैं x की वैल्यू अगर जीरो रखी, x की वैल्यू क्या एफ एक्स ही मान लो चाहे कोई भी चेक नोट कीजिए चाहे y मान लो, x की वैल्यू जीरो रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, x की वैल्यू जीरो रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब यहाँ प्लॉट कर लूंगा मैं 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर क्या जाएगी -1, -2, -3, -4, -5, -6 इधर क्या आ जाएगी -1, -2, -3, -4, -5। अब ये है y इक्वल टू, देखो एक अगर इसकी वैल्यू ड्रॉ करें, इसे ड्रॉ किससे करेंगे, अगर x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, और x इक्वल टू 1 है x इक्वल टू क्या है, ठीक है y इक्वल टू 2x+3 है, और अगर x इक्वल टू कितना है 5 ही, x की वैल्यू कितनी रखूंगा y 1 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5। ठीक है x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 है x की वैल्यू तो इक्वल है, ये क्या है सीधी लाइन आ जाएगी, क्या आएंगे y इक्वल टू x इज लेस देन 0, x की वैल्यू क्या है लेस देन 0, x की वैल्यू क्या है इसमें लेस देन 0, x की वैल्यू लेस देन, तो यहां क्या है माइनस के, अच्छा 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 माइनस के, माइनस के 1 रखूंगा तो क्या आ जाएगी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 2, और x की वैल्यू मैंने 0 को तो क्या 0 के 3 की तरफ कन्वर्ट हो जाएगी है माइनस 3 है, x की वैल्यू है लेस देन 0, x की वैल्यू कितनी आई है लेस देन 0, x की वैल्यू कितनी आई है ये ग्राफ हो जाएगी, ये है, ये इधर ये x की वैल्यू -0 एक थ्री से ये ग्राफ होता है जिससे एक सीधी लाइन हो जाएगी, क्या आएगी सीधी लाइन हो गए जाएगी, हो गया वाई इक्वल क्या आ गया एफ 2x+3 का ग्राफ जिसको y की वैल्यू क्या यहाँ रखो 1, x की वैल्यू क्या रखेंगे 1, 1+3 कितनी होगी 4। अच्छा अगर x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 1 पे यू, अगर x इक्वल टू 2 पे क्या आ गई इसकी लिमिट, ग्राफ y 2 का स्क्वायर 4+3 इक्वल टू 7, तो 1, 4 पे क्या है 1 क्या गई 1 पे x की वैल्यू अगर 1 है तो इसकी वैल्यू क्या गई 4, और अगर x की वैल्यू 2 है इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 7, ये तो इस तरह की ग्राफ आ क्या आ गई इस तरह की ग्राफ आ जाएगी यहां से,
क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ये अगर x की वैल्यू जीरो है तो ये जीरो से जाएगी ना, x की वैल्यू जीरो है तो जीरो प्लस ए ये 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 क्योंकि यहाँ भी जीरो रखे ना, जीरो प्लस थ्री जीरो का स्क्वायर है, पहले जीरो रखो तो जीरो प्लस जीरो के पास तो है ही ना, फिर थ्री आ जाएगी, क्या आ जाएगी ये थ्री, तो ये आ जाएगी। तो इसमें क्या है, इसमें यानी इस पे एफ एक्स पे इस फंक्शन पे ये कह दिया ये है एफ एक्स इक्वल टू जीरो, ये क्या है एफ एक्स इक्वल टू जीरो, ये है एफ एक्स इक्वल टू जीरो है, ये कह रहे ग्राफ है ये है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री होगा, तो ये तो इसकी वैल्यू भी पता है, इसकी वैल्यू पता है और ये एग्जिस्ट हो रही है बट नॉट एफ एक्स जो है इनके इक्वल है, ये आ गया केस सेकंड, ये क्या आ गया केस सेकंड आ गया, ठीक है। अब केस केस थर्ड क्या है, अब केस थर्ड क्या है, एग्जाम भी लेता है केस थर्ड का भी, दो केस हो गए ना, अब क्या है केस थर्ड का भी एग्जाम्पल लेते हैं, क्या एग्जाम्पल है केस थर्ड का, एफ ए इज नॉट, एफ ए इज नॉट डिफाइंड एफ ए इज नॉट डिफाइंड लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x tends to a minus f x equal to n, देखो ये क्या की लिमिट है, ये इसकी जो राइट हैंड लिमिट है एल आर एच एल है और इसकी क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट है, दोनों इक्वल हो लेकिन a पे जो x कौन से फंक्शन के लिए एफ एक्स फंक्शन के लिए, क्या के लिए एफ एक्स फंक्शन के लिए, फॉर एफ एक्स फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए के लिए यानी राइट हैंड लिमिट, दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट भी करते हैं इक्वल भी इक्वल टू, लेकिन एफ ए इज नॉट डिफाइंड, इसका एक जो है इसका जो एग्जाम्पल होगा एफ एक्स जैसे एफ एक्स इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, लेकिन चेक चेक द चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन पे इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है, तो लिमिट देखो भाई, अच्छा ये देखो ये पहले ही कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कि जो है ये इसका एग्जाम्पल है, किसके एग्जाम्पल है कि ए प्लस और ए माइनस वन में जो है इसमें जो है वो करते हैं, इतनी लिमिट करके चेक कर लो, तो क्या है लिमिट एक्स टेंस टू वन, दोनों में राइट हैंड लिमिट की लेफ्ट हैंड लिमिट सीधा करो, जैसे पहले आया था क्या आया फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू वन, ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ये किस फॉर्म है, जीरो बाई जीरो फॉर्म में आ गया, इसे कन्वर्ट कर लेता हूं मैं, फिर जिससे पहले कहता है लिमिट एक्स टेंस टू वन, ये आ गया ए प्लस बी ए माइनस बी, इससे ये जाएगा क्या आ गया लिमिट एक्स टेंस टू वन एक्स प्लस वन, ये क्या आ गया वन प्लस वन इक्वल टू क्या आ गया टू आ गई, ये क्या आ गई इसकी लिमिट क्या आ गई एफ इक्वल टू क्या आ गई
अच्छा, और अगर मैं इस फीस की x इक्वल टू वन पे, यानी जब दोनों एलिमेंट्स हैं इक्वल हैं तो इनकी दोनों टू आ जाएंगी। अब है एफ वन, क्या निकाल लूंगा मैं एफ, चाहे तो एल एच एल आर एच एल, ये क्या ही आ कि एल एच एल आर एच एल जब निकाल लेंगे इस क्वेश्चन में, अगर एल एच एल और आर एच एल भी निकाल लूंगा इसमें, जब भी दोनों इस फंक्शन की यूनिटी लिमिट जो है एफ इक्वल टू वन पे कितनी आएगी, टू ही आएगी। मैं फंक्शन पे वैल्यू पे निकालता हूँ एफ वन, एक्स इक्वल टू वन पे इसकी वैल्यू निकालता हूँ, क्या आ जाएगी एफ वन इक्वल टू क्या आएगा, ये वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन माइनस वन, वन का स्क्वायर वन माइनस वन अपॉन जीरो, वन तो जीरो पॉइंट जीरो क्या आ गया, जीरो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा, क्या आ गई है ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है ये दोनों तो इक्वल तो लिमिट तो है, लेकिन एफ नॉट एफ ए जो है नॉट डिफाइंड है। अच्छा, अगर इसका मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखूं, ये f, ये y, ये जीरो जीरो यहाँ आ जाएगा, x डैश ये क्या आ जाएगा, फंक्शन है मेरा, ये है फंक्शन है, ये क्या फंक्शन है मेरा, x स्क्वायर माइनस वन अपॉन x माइनस वन, फिर वही है इसे x प्लस वन क्या कर दूंगा, तो x प्लस वन x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन से माइनस वन क्या आ गया एक्स प्लस वन, ये फंक्शन है एक्स प्लस वन, यानी ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन है, ये फंक्शन एक तरह का क्या है मेरा एक्स प्लस वन, क्या है एक्स प्लस वन, और जब एक्स प्लस वन से मैं ड्रॉ करूंगा आप तो जीरो रख के यहाँ पे जीरो वन टू एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, भाई लीनियर है बिल्कुल सीधी सीधी है, तो किस तरह की लाइन आ जाएगी, ये आएगी एक्स इक्वल टू ये लाइन, ये फंक्शन क्या है, यानी ये फंक्शन क्या है एक्स प्लस वन, इस तरह की ये लाइन, ये ग्राफिकल इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक, आई बात में भाई, देखो तीन केस है, ये पहला केस बताया था, फिर दूसरा, अब क्या है ये तीसरा बताया मैंने। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, क्या है, अभी जो हमने जो है डिसकंटिन्यूटी के जो चेक हैं, डिसकंटिन्यूटी के जितने भी वो होते थे केस होते थे, तीन केस, चार है चौथा तो होता ही नहीं कुछ को, तो तीन केस जो हमने डिस्कस करे हैं कि कंटिन्यूटी के डिसकंटिन्यूटी के, अभी क्वेश्चन लगा लेते हैं, जैसे इस तरह क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू, क्या है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन cos x upon pi by 2 minus x, ये फंक्शन है fx, ये फंक्शन है, इस तरह ये फंक्शन है, एक नहीं बल्कि fx equal to, ये फंक्शन है fx equal to, ये फंक्शन क्या है fx equal to cos pi by 2 minus x, x equal to pi by 2, x equal to pi by 2 नहीं बल्कि not pi by 2, और x equal to pi by 2, इसकी वैल्यू ऊपर है। ये फंक्शन है, इसमें फॉर कंटिन्यूटी चेक करनी है, फॉर चेक, चेक फॉर कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू, एट
शेयर करनी है इस पर कंटिन्यूटी फोर एफ इक्वल टू फाइव बाई टू। अब इसकी लिमिट पहले तो एल एच वही लिमिट निकाल लूंगा, देखो लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू, एक्स टेंस टू पाई बाई टू कॉस एक्स अपॉन पाई बाई टू माइनस के एक्स। अच्छा ये पाई बाई टू है यानी कि ये पाई बाई टू नहीं है, पाई बाई टू तरफ कन्वर्ट कर रहा है यानी या तो प्लस है या थोड़ा सा माइनस है, तो या तो प्लस है क्या है यो? या क्या है माइनस है। अच्छा, जब ये कन्वर्ट कर रहा है तो ये इसका ये नहीं है, कौन सा फंक्शन है, ये है ये क्या है कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। अच्छा जब एक्स टेंस टू पाई बाई टू रखूंगा तो क्या आएगा कोस पाई बाई टू, ये आएगा पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, ये क्या आ गई जीरो बाई जीरो फॉर्म है, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गई, क्या आ गई इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गई, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गई। इसमें क्या लगा दूं एल हॉस्पिटल रूल लगा दूंगा मैं, क्या लगा दूं माइनस लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू, पहले बहुत करे हैं सवाल, माइनस साइन एक्स माइनस के वन, क्या आ गया माइनस के साइन एक्स अपॉन माइनस के वन, ये क्या आ गया लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू माइनस से माइनस आ गया, क्या आ गया साइन एक्स, साइन पाई बाई टू वैल्यू कितनी आ गई वन, साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू वैल्यू कितनी आ गई है वन आ गई, साइन पाई बाई टू वैल्यू कितनी आ गई वन आ गई। ठीक, और अब जो है एक्स एट वेन एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, ये एफ एक्स की वैल्यू आ गई वन, एक्स की वैल्यू आ गई वन। देखो इसमें जो लिमिट है लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई इक्वल हो गई, फंक्शन और क्या है लिमिट की वैल्यू एफ एक्स, तो हैंस लिखेंगे हैंस फंक्शन इज है। तो फंक्शन क्या है एफ एक्स इक्वल टू, जो फंक्शन है वो मेरा जो क्या होगा कंटिन्यूस होगा, फंक्शन क्या है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कंटिन्यूस, कंटिन्यूस जो कोई भी फंक्शन है अगर उस पर कंटिन्यूटी मुझे चेक करनी हो आगे के लिए, सीधी सी बात है उसकी जो लिमिट है लिमिट की वैल्यू फाइन लिमिट की वैल्यू निकाल लेंगे और उस फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे, हमेशा दोनों क्या होंगे इक्वल होना चाहिए, इक्वल आती तो फंक्शन कंटिन्यूस है नहीं तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, सिंपल फॉर्म है हर एक फॉर्म में हर एक क्वेश्चन में यही कहेंगे। ठीक, अब और क्वेश्चन लगा देते हैं थोड़ा सा और हल्की से आगे बढ़ते हैं। क्या फंक्शन है ये, लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स, लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स वी डिफाइंड पैरामेट्रिकली कैल let y equal to fx equal to defined parametrically y equal to t square plus 2t plus 1, क्या है y equal to, क्या है y equal to fx, y equal to fx t square plus t, ये y क्या t square plus t, ये बल्कि ये ना करके ये कर लो t square plus टी प्लस टी, ये कर लो। ठीक, एंड एक्स इक्वल टू, एंड एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स इक्वल टू टी टू टी माइनस टी, ये बात टू टी माइनस टी, एंड टी बिलोंग्स टू आर, टी बिलोंग्स टू आर, देन एट एक्स इक्वल टू
then f equal to 0, then x equal to 0, find fx, then x equal to 0, find fx, and discuss the continuity. देखो भाई, एक ये सवाल है, y equal to fx है, कोई defined है, कोई function defined है, इसे parametrically है, y equal to t square plus t mod t, और x एक है, x your function है, x equal to t square minus t, x equal to 2t, x equal to 2t minus mod t, और t belongs to r है, इसका डिस्कस करना है कंटिन्यूटी में, क्या करना है इसका कंटिन्यूटी पे. अब देखो, अगर ये फंक्शन है मेरा, क्या फंक्शन है ये, था वाई स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस मोड टी, ये था ना भाई. अगर टी की वैल्यू बल्कि ये ना करके यार इसको ये कर लो, ये भी टी इंटू टी ये. अब व्हेन, पहला केस है व्हेन एफ इक्वल टू, व्हेन टी इज ग्रेटर देन जीरो, टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जब टी की वैल्यू इज जीरो से बड़ी होगी तो क्या जाएगा, y इक्वल टू क्या जाएगा, y इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी और मल्टीप्लाई बाय टी, जब t की वैल्यू जीरो बड़ी है तो टी आ जाएगा टी, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, तो क्या आ गया y इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू टू टी का स्क्वायर, तो y इक्वल टू कितना आ गया, टू टी का स्क्वायर आ गया, y इक्वल टू क्या आ गया, टू टी का स्क्वायर. और ये x क्या है, x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू है 2t माइनस मोर t, x की वैल्यू एक ही है, x की वैल्यू है 2t माइनस के t. अगर इसकी वैल्यू t की वैल्यू बड़ी होगी, t की वैल्यू क्या होगी, t की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, इसके लिए तो क्या आएगा, x इक्वल टू 2t माइनस t इक्वल टू t, x इक्वल टू क्या आ गया t आ गया, x इक्वल टू t आ गए, जब x इक्वल टू t आ गए हो तो क्या आ गया, y इक्वल टू x स्क्वायर, y इक्वल टू क्या आ गए, x स्क्वायर आ गया, y इक्वल टू क्या आ गए, 2x स्क्वायर, t की वैल्यू x रखी, y इक्वल टू क्या आ गया, 2x स्क्वायर. अब अगर इफ क्या करेंगे, इफ t की वैल्यू क्या है, t लेस देन इक्वल टू 0, t less than equal to 0 है, अगर t की वैल्यू क्या है, less than 0 होगी, इक्वल से यहां लगा लेना, मतलब t की वैल्यू 0 आ गई, less than 0 हो गई, फंक्शन आगे क्या आ गया, y equal to t square plus t, क्या आ गया, y square t square plus t, क्या आ गया, तो y equal to क्या आ गया, ये है ना, टी स्क्वायर प्लस टी, ये क्या आएगा यहाँ, माइनस टी, यहाँ क्या आएगा, यहाँ टी की वैल्यू क्यों लेस देन जीरो है, तो क्या आएगा, टी स्क्वायर माइनस टी मल्टीप्लाई बाई टी, तो वाई इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई इसमें,
जीरो आ जाए, वाई की वैल्यू कितनी आ गई इसमें, जीरो आ जाए, वाई की वैल्यू जीरो है तो फोर लेस टी इक्वल टू जीरो, तीन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी टू टी माइनस, ये माइनस टी आएगा यहाँ माइनस, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा ये प्लस आ जाएगा टू टी प्लस टी इक्वल टू थ्री टी, एक्स इक्वल टू थ्री टी, एक्स इक्वल टू क्या आ गया थ्री टी आ गया, एक्स इक्वल टू क्या आ गया थ्री टी आ गया, अच्छा अब इसका एक्स इक्वल, अब इसका अगर मैं फंक्शन निकालना चाह सकता हूं, ये फंक्शन मेरा क्या है, ये फंक्शन अब मेरा ही नहीं फंक्शन हो सकता है, ये फंक्शन क्या है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, ये फंक्शन एक तो फंक्शन आ गए थे मेरे में टू एक्स स्क्वायर, कितना है वाई इक्वल टू कितना आ गया था टू एक्स स्क्वायर, क्या गया था टू एक्स स्क्वायर इन एक्स इन कब आया थे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और इसकी वैल्यू जीरो आ गई थी इन एफ इफ लेस देन जीरो, ठीक है भाई। देखो भाई अब देखो क्या सवाल था मेरा, ये फंक्शन था वाई इक्वल टू एफ एक्स, क्या सवाल था मेरा वाई इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन था, इसको डिफाइंड पैरामीटर के लिए वाई इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी वाई स्क्वायर प्लस टी प्लस ये था वो टी, और एक और था एक्स इक्वल टू टी टू टी माइनस टी टी इक्वल टू आर, इसको चेक करना था एक्स इक्वल टू जीरो पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे पहले मैंने क्या था, तो ये फंक्शन दो जीरो पे पहला फंक्शन क्या होगा भाई टी और जो है ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इसको ले लिया वाई इक्वल टू क्या ले लिया टी स्क्वायर प्लस टी, ये जब टी ग्रेटर देन जीरो तो ये प्लस का ही रहेगा टी मल्टीप्लाई बाय टी टी, तो क्या रहेगा टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर टू टी स्क्वायर, जब लेस देन जब ये वाई ग्रेटर देन एक्स की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ जाएगी टू टी माइनस टी, ये भी प्लस का ही रहेगा तो टू टी माइनस टी इक्वल टू टी, अब इसी तरह से इफ टी इज लेस देन जीरो, अब टी क्या है लेस देन जीरो, जब टी क्या है मैं लेस देन जीरो है तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी टी मल्टीप्लाई टी, अभी माइनस का आ जाएगा ना यहाँ ये यही जो है माइनस का आ जाएगा टी टी, तो टी माइनस टी टी है ना ये माइनस यहाँ टी माइनस टी टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, अच्छा इसकी एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी यहाँ से माइनस टी प्लस टी टू टी प्लस टी यहाँ इक्वल टू थ्री टी देन टी इज लेस देन जीरो, तो ये मेरा फंक्शन आ गया एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू देन जीरो और एक्स इक्वल टू एक्स लेस देन जीरो, अच्छा अब देखो एक्स इज लेस देन एक्स इज लेस देन थ्री वैल्यू आ रही है जीरो और एक्स इक्वल टू क्या आ गई, अब मान ली एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर है एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर, तो एफ जीरो पे वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी टू मल्टीप्लाई जीरो का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, जीरो हो गई और एफ ये हो गई एफ जीरो और आर एच एल आर आर एच एल राइट 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 हैंड लिमिट में क्या आ जाएगी इसकी ये ये आ जाएगी फंक्शन की वैल्यू ये भी जीरो आ जाएगी, टू मल्टीप्लाई जीरो का स्क्वायर ये भी जीरो आ जाएगी और एल एच एल एल एच एल कितनी आ जाएगी इसकी ये भी जीरो आ जाएगी, ये तो साफ क्लियर है, तो इसमें ये पता लग रहा है कि इसकी राइट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू भी, अगर इस तरह से राइट हैंड लिमिट है ना इस तरह निकाल लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी निकाल देंगे उसकी इसकी आएगी, अगर एल एच एल निकाल लू मैं लिमिट एच टेंस टू जीरो टू जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर टू इंटू एच का होल स्क्वायर लिमिट एच टेंस टू जीरो एच टेंस टू जीरो नहीं आर एच एल आई क्या आई है आर एच एल ये प्लस
प्लस टू जीरो के टू मल्टीप्लाई जीरो इक्वल टू जीरो, देखो ये आ गया, ये आ गई एल एच एल भी जीरो है आर एच एल भी जीरो है, इसका हम जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी दिखा सकते हैं। ठीक है और भाई ये जो है ये फंक्शन है इसका जो है हमेशा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जो है दिखा सकते हैं कि ये कंटिन्यूस है या नहीं, एट एक्स इक्वल टू जीरो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। अब आगे बढ़ते हैं भाई, इसका ग्राफ बना दें, ग्राफ में इंटरप्रिटेशन से भी दिखा सकते हैं। ठीक है आगे बढ़े भाई, देखो ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन टेन इनवर्स वन अपॉन टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री टेन इनवर्स एक्स माइनस फोर अपॉन थ्री स्क्वायर स्क्वायर रूट सारे का स्क्वायर रूट then f x is continuous then f x is then f x is continuous then f x is continuous for ये क्या है अब इसकी a a की वैल्यू एक स्क्वायर ये मान लिया वन इज टू थ्री बी ऑप्शन है माइनस इनफिनिटी टू जीरो सी ऑप्शन है माइनस इनफिनिटी टू जीरो या इनफिनिटी टू वन यूनियन थ्री इनफिनिटी टू ये ए हो गया ये बी हो गया ये सी हो गया ये डी एक और मान लेंगे बी इक्वल टू क्या है माइनस ये नन ऑफ डी कर लो क्या कर लो नन ऑफ डी आंसर देखो भाई ये फंक्शन है क्या है फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री देन एफ एक्स की वैल्यू क्या है कंटिन्यूस होगा किस अगर एफ एक्स फंक्शन कंटिन्यूस है तो किस में होगा एक ऑप्शन है वन थ्री बी है माइनस इनफिनिटी जीरो सी है माइनस इनफिनिटी वन यूनियन थ्री इनफिनिटी डी है नन ऑफ डी क्या है थ्री क्या है नन ऑफ डी है। अच्छा इसके लिए डोमेन के लिए ये होना चाहिए क्या होना चाहिए टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री ये कैसे होना चाहिए ये जीरो से बड़ा होगा हमेशा ये डोमेन क्या होगा हमेशा क्या होगा ये जीरो से बड़ा होगा जब ये जीरो से बड़ा होगा तो इधर आगे क्या आएगा टेन जीरो की वैल्यू टेन जीरो तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो और अब थ्री 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 का फैक्टर ऐसे जो फोर हो क्या थ्री प्लस वन क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री इज लेस देन जीरो एक्स दोनों में से कॉमन ले आगे क्या आगे एक्स माइनस थ्री माइनस कॉमन ले आगे एक्स माइनस थ्री इज लेस देन जीरो एक्स माइनस थ्री तो हो गया ये हो गया एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो इसके ये फैक्टर आ गए क्या आगे एक्स माइनस थ्री इज ग्रेटर देन अच्छा अब अगर मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं एक्स इज ग्रेटर देन थ्री और एक्स इज ग्रेटर देन वन एक्स इज कहां से ग्रेटर देन थ्री होगा और कहां से माइनस वन से बड़ा होगा तो
और इसका अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगे, एक सिंपल लाइन है यहाँ से समझ आएगा, यहाँ कितना है सीधी लाइन, चलो सीधी लाइन है ठीक। एक सीधी लाइन है इस पे क्या आ गया ये, यहाँ क्या है जीरो, फिर क्या गया वन, फिर टू, फिर क्या गया थ्री, फिर क्या गया फोर, इस पे राइट माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर ठीक है। अब इसकी एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन वन, एक्स की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन वन, एक्स की वैल्यू क्या है ये वन, ये वन, ये और ये क्या है ये थ्री। अच्छा ये वन कहां से क्या है, एक दो वैल्यू आई है यहाँ की, दो वैल्यू आएगी यहाँ से, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस इनफिनिटी टू वन, क्या आ गई माइनस इनफिनिटी टू वन, कहां तक आ गई माइनस इनफिनिटी टू वन सही। और फिर क्या आ गई है यहां, फिर एक है थ्री से बड़ी, x इज ग्रेटर देन थ्री, x इज ग्रेटर देन थ्री, जब x इज ग्रेटर देन थ्री है तो यहां तक के लिए यहां से आगे यहाँ थ्री, ये है थ्री, फिर थ्री से आगे इन्फिनिटी तक जाएगी, कहां तक जाएगी थ्री टू इन्फिनिटी, थ्री टू इन्फिनिटी, और दोनों का क्या जाएगा ये यूनियन, दोनों क्या जाएगा ये यूनियन, क्या जाएगा ये यूनियन। तो एक्स की वैल्यू जो है एक्स बिलोंग टू, एक्स की वैल्यू कहां तक बिलोंग करेगी माइनस इनफिनिटी टू वन यूनियन थ्री थ्री टू इनफिनिटी। देखो भाई ये कोई फंक्शन है, इस फंक्शन पे कंटिन्यूटी चेक करना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा सही है। अच्छा अगर ये कंटिन्यूस है, अगर तो इसका डोमेन जीरो से बड़ा होगा, अगर ये कंटिन्यूस है तो ये जो जीरो से बड़ा होगा भाई जब भी तो होगा ना, कोई फाइनाइट नंबर आएगा, क्या आएगा जो फाइनाइट नंबर होगा, अगर ये जीरो आएगा तो इंफिनिटी आ गया। जब कंटी दे रखा है, यहाँ ये दे रखा है कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, क्या दे दिया कंटिन्यूस, जब कंटिन्यूस कोई फंक्शन होता है उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उस फंक्शन की इक्वल होती है और वैल्यू क्या होती है फाइनाइट। जब ये वैल्यू फाइनाइट होगी इसका जो डोमेन है ये हमेशा क्या से बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा। ये मैंने इस प्रॉपर्टी कंटिन्यूस का प्रॉपर्टी का ले जाए अजम्पशन, ये जब ये जीरो से बड़ा होगा इधर आ गया टेन जीरो, ये आ गया इसके फैक्टर कर लिए, ये आ गया एक्स माइनस थ्री, एक्स ग्रेटर देन वन, एक्स इक्वल टू थ्री, इसको मैंने प्लॉट कर लिया इस तरह। तो इस तरह जो है ड्रॉ करके ग्राफ से क्या देख सकता है कि एक्स की वैल्यू जो है यहां से लेके यहां तक माइनस इनफिनिटी वन यूनियन थ्री टू इनफिनिटी किस पे चेक होगा, दैट इज आंसर इज थ्री। भाई बात सुनिए आगे बढ़े भाई, और देखो भाई एक कंटिन्यूटी
अब क्या है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, इन एन इंटरवल, इन एन इन कंटिन्यूटी एन इंटरवल और कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट और कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट। कंटिन्यूटी एक इंटरवल पे और कंटिन्यूटी एंड एंड पॉइंट पे। लेट मान ले कोई लेट वाई इक्वल टू कोई एफ एफ की आयो फंक्शन है। लेट लेट वाई इक्वल टू एफ एफ इज द फंक्शन। लेट वाई एफ एक्ट इज द इज डिफाइंड। लेट वाई इक्वल टू एफ एफ इज द फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी। एक फंक्शन पे डिफाइंड है ए बी, देन द फंक्शन then the function ff is said to be continuous. ff is said to be continuous, then the function ff is said to be continuous at the left end at the left end क्या हो जाएगा x tends to a f a equal to limit x tends to a plus f x and the function f is said to be continuous. The function is said to be continuous. The function f x is said to be the function is said to be continuous at the right end fb equal to limit x tends to b minus f x। देखो भाई क्या मतलब समझा, ये मैंने थ्योरम लिखी है कि कंटिन्यूअस यानी इंटरवल कंटिन्यूटी एट द एंड पॉइंट क्या होती है। एक कोई फंक्शन है डिफाइंड है ए बी पर, क्या है इस फंक्शन है ये कंटिन्यूस है इस पे डिफाइंड है ए बी का। अगर ये कंटिन्यूस कहलाएगा फंक्शन क्या कहलाएगा, ये कंटिन्यूस कहलाएगा कौन से पे लेफ्ट एंड पे, क्या मतलब कहलाएगा ये लेफ्ट एंड पे, यानी ए की जगह पॉइंट में ए जो है अगर मान ली ये है तो ये ए की किसकी तरफ ए की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ यहाँ जीरो की तरफ क्या है ये ए कन्वर्ट हो रहा है, तो ए किस तरह जा रहा है पॉजिटिव की तरफ और ये है ए इस तरह जा रहा है, बी बी इधर की तरफ जा रहा है थोड़ा सा कम तो यहाँ ए प्लस आएगा, ये इसमें ए क्या आएगा प्लस आएगा लेफ्ट एंड पे और राइट एंड पे आएगा माइनस, तो दैट इज कॉल्ड टू द इधर चेक कर लेंगे तो इसके इसको लेफ्ट एंड कहेंगे और इसको क्या कहेंगे राइट एंड, दैट इज कॉल्ड टू द कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी ऑफ एन इंटरवल। एक सवाल लगाते हैं इसमें जैसे क्या सवाल है भैया, x इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स ये वेयर वेयर डेनोट, ये क्या है डेनोट द
denote the greatest integer where fx is equal to where fx is equal to x where is denote the greatest integer. ये greatest integer है. Check the continuity on check the continuity on check the continuity on 1 2. If 1 2 पे इस continuity में check करनी है. पहले मैं एक पर चेक कर लूंगा. पहले क्या मैं चेक कर लूं, पहले क्या है केस फर्स्ट क्या है टू चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू वन पे इसकी मैं कंटिन्यूटी चेक कर लूंगा. x इक्वल टू वन पे क्या कर लूंगा, मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लूंगा. क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू वन, ये इधर है तो प्लस का जाएगा, बताया था मैंने. और चले और चलाएगी क्या जाएगी, एफ टेंड्स टू जीरो एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो तो क्या आ जाएगी, वन ही आ जाएगी. क्या जाएगी, वन ही आ जाएगी. और एफ वन पे कितनी आ जाएगी, F1 पे भी. और राइट पे क्या जाएगी, अच्छा ये लेफ्ट पे ही है. ठीक है, तो अब दोनों की क्या आ गई, दोनों की लिमिट क्या आ गई, इक्वल हो गई दोनों की क्या आ गई. हैंड एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू वन, हैंड एफ एक्स इज कंटिन्यूस इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू वन. अब कहीं पर कर लू मैं एट एक्स इक्वल टू टू, एट एक्स इक्वल टू टू एट चेक चेक एक्स इक्वल टू एट एक्स इक्वल टू टू लिमिट क्या आ गई, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू x tends to, अच्छा इससे x tends to 2 क्या आएगा, x tends to 2 इस पे माइनस पे क्या आ जाएगी, x tends to 2 f x यानी 2 से थोड़ा सा छोटा, 2 से क्या आ गई, थोड़ा सा छोटा, ये थोड़ा सा छोटा क्या आ गई, तो वैल्यू ग्रेटर से जाएगी थोड़े छोटा होगी, ये क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू ये बता रखा है इसकी वैल्यू क्या आएगी, वन. और एक्स इक्वल टू टू पे क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, एफ टू इक्वल टू क्या आएगी, टू. तो ये इसकी जो ये है ये एल एच एल है, क्या इसकी क्या है, ये एल एच एल है, क्या इसकी ये इक्वल है भाई, ना है तो नहीं, एल एच एल क्या है इक्वल तो नहीं है, ये मैंने एल एच एल निकाल ली है. अच्छा ये क्या निकाली है, मैंने आर एच एल निकाल ली है. देखो इसमें जो है आर एच एल जो है इस कंटिन्यूस फंक्शन की वैल्यू के बराबर है, इसमें जो है एल एच एल जो है नॉट इक्वल टू एफ टू, हैंस द फंक्शन इज नॉट, इसमें जो फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, फंक्शन इज नॉट या फंक्शन ये डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन ये इसकी लेफ्ट इसकी ये इस लिमिट पे तो क्या कंटिन्यूअस है और इस पे जो है डिसकंटिन्यूअस है, क्या आ गया फंक्शन है और इस कंटिन्यूअस फंक्शन पे क्या आ गया डिसकंटिन्यूअस है. ठीक है भैया,
आगे बढ़े भाई। देखो इससे क्या पता लग रहा है, इस फंक्शन से हमें पता ये लग रहा है, इस फंक्शन से हमें यह पता लग रहा है कि जो फंक्शन है एफएक्स है, जो फंक्शन एफएक्स है ये कंटिन्यूअस है एट इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू वन। एक्स इक्वल टू वन पे तो क्या है, एक्स इज इक्वल टू वन पे तो कंटिन्यूअस है और डिसकंटिन्यूअस है फॉर ऑल द फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू वन पे कंटिन्यूअस है और डिसकंटिन्यूअस है एक्सेप्ट टू, टू के अलावा हर फंक्शन पे क्या है, टू के अलावा क्या है ये जो है, तो इसलिए ये क्या है ये कंटिन्यूस होगा वन इन टू टू, इसका ये ब्रैकेट होना ये ए, यानी कि वन तो इसके अंदर इन्वॉल्व है टू तक, टू नहीं है तो इसके इस ब्रैकेट पे है वन इज टू टू पे ये क्या है कंटिन्यूस है, इट इज द कंटिन्यूस ऑन, इट इज द कंटिन्यूस एक्स बिलोंग्स टू वन टू, ये फंक्शन पे क्या है एक्स इक्वल टू फंक्शन पे यह हमेशा ये क्या है कंटिन्यूस आ जाएगा। ठीक है, ये किस पे कंटिन्यू होगा वन, ये बड़ा ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट भी लेगा वन किस